हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी लॉन्ज। सो आज का जो लुक है हमारा वो है साउथ इंडियन, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटोज़ में। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी मॉडल की स्किन को पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, देन मैंने यहाँ पे इनको कलर करेक्टर भी यूज़ कर दिया था और अब मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बेस एंड इसको मैंने ऑल ओवर फेस पे जो है अच्छे से अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे जो है मैंने इसको ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। और फाउंडेशन अप्लाई कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। और गाइस, कंसीलर आप जब भी यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने अपनी पहली बार मतलब जो पहली मेरी वीडियोस हैं उनमें भी बताया कि आप हमेशा अपनी स्किन से लाइट जो भी कंसीलर है वो यूज़ करा करिए। तो मैंने यहाँ पे इनके स्किन से दो टोन लाइट कंसीलर यूज़ किया है और उसे भी जो है मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लेकर आऊँगी। देन मैंने फिर से इनको फाउंडेशन अप्लाई किया है क्योंकि मुझे कवरेज जो है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके ऊपर डिपेंड रहता है आपको किस तरीके की कवरेज चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने इनको एक और जो है कोटिंग यूज़ कर दी थी और उसे भी मैंने अच्छे से ब्लाइंड कर दिया था। देन अब मैंने यहाँ पे इनके फेस को मैं कर रही हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोर से गाइस क्या होता है कि हमारा जो फेस है ना वो एक मतलब उसको शेप मिल जाता है और जो हमारे फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको मेरी कई पहले वाली वीडियोस में भी मैंने आपको कई बार बताया कि कॉन्टोरिंग से जो हमारे फीचर्स हैं वो बहुत शार्प हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से एनहेंस होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से दिखते हैं वो। सो इसलिए हम जो है यहाँ पे कॉन्टोर करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लूज पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ और इसको सेट करने के बाद अब मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट से मैंने ऑल ओवर फेस को जो है अच्छे से सेट कर दिया, मतलब मैंने सारे मेकअप को अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। सो देन अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लशर। और गाइस, मुझे ब्लश बहुत पसंद है क्योंकि इससे हमारे काले जैसे हो जाते हैं, टमाटर जैसे स्किन पे। एंड गाइस, इसके पहले मैंने एक हॉरर मेकअप आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड वो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पे इनको यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर, और हाईलाइटर तो मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है मेकअप में। मैं इनकी आईब्रो को जो है फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के बाद मैंने इनकी आईज पे कंसीलर यूज़ किया है। जब भी आप आई मेकअप करते हो तो उसको पहले कंसील करो और उसे लूज पाउडर की हद से सेट करो, देन आप अपना आई मेकअप स्टार्ट करो। इससे क्या होता है कि जो भी हम कलर लेते हैं, मतलब जो भी हम कलर शेड्स यूज़ करते हैं, उसकी जो पिगमेंटेशन होती है वो बहुत अच्छी। तो अभी मैंने अपना आई मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है और मैंने यहाँ पे लाइट शेड के साथ जो है अपना आई मेकअप स्टार्ट किया है। एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक लाइट पिंक शेड एंड मैंने उसमें जो है पर्पल कलर यूज़ किया है और उसको मैंने बहुत अच्छे से बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड किया है। एंड मैंने इनके आउटर कॉर्नर पे जो है थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और इनर कॉर्नर से लेके आईबॉल तक मैंने इनके लिए सिल्वर कलर यूज़ करा है, यू कैन सी गाइस। एंड अब मैं इनको जो है लाइनर लगा रही हूँ। सो लाइनर लगाने के बाद मैंने इनको लैशेज के बाद जो हमारा आई लुक दिखता है ना वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमारी आईज इतनी सुंदर लगने लगती हैं, मतलब लैशेज लगाने के बाद एक अलग ही उसका लुक है जो वो लगने लगता है और आंखें भी हमारी जो है वो बहुत सुंदर लगने लगती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी मॉडल की आईज कितनी अच्छी लग रही है। एंड अब जो है मैं इनके लोअर लैश लाइन को फिल कर रही हूँ, तो जो शेड्स मैंने ऊपर यूज़ किए थे वही मैंने नीचे यूज़ किए हैं और उसको भी मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। एंड अब मैं जो है यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, और मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो है आउटलाइन की है एंड फिर मैंने इसको रेड कलर की लिपस्टिक लगाई। ये है हमारा फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।